हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं वीवो T2 प्रो डिवाइस के अंदर आप व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे? दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका जो डाटा है ज़्यादा करके होता है, आपका जो डाटा है या फोटो वीडियो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके व्हाट्सएप के अंदर होता है। तो आप अपने व्हाट्सएप को बहुत ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक यूज़ करें तो जो आपका व्हाट्सएप है बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। तो आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे, चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। तो उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। तो हम अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे ओपन करते हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप है यहाँ पे ओपन हो जाता है और ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके जो फोटो है यहाँ पे आ जाएगा और नीचे कुछ सेटिंग आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइवेसी का ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग आते हैं और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पे ऑप्शन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट और उसके आगे यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, आपको इसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है कन्फर्म फिंगरप्रिंट, नीचे आ रहा टच द फिंगरप्रिंट सेंसर, आप अपने फिंगर को टच करें अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे और यहाँ पे अपने फिंगर को कंफर्म करें। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो फिंगर है वो ऐड नहीं होता है। तो दोस्तों आप कभी भी अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाएंगे तो उससे पहले आपको अपने स्क्रीन लॉक में फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेना है, तभी आपके व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लग पाएगा। तो हमारे स्क्रीन लॉक में फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है और हम यहाँ पे इसको परमिशन देंगे, तो आपको अपने यहाँ पे सिर्फ फिंगर का परमिशन देना होता है, इसके बाद ही आपके व्हाट्सएप में लॉक लग जाता है। तो हम अपने फिंगर का यहाँ पे परमिशन देंगे, तो जैसे अब इसको हम कंफर्म करेंगे तो ये कंफर्म हो जाता है और हमारे व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लग जाता है। यहाँ पे आ रहा ऑटोमेटिकली लॉक। तो दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को यूज़ करके छोड़ देते हैं तो जो आपका व्हाट्सएप है कितनी देर बाद लॉक होगा ये चीज़ का यहाँ पर सेटिंग आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मिलता है इमीडिएटली, अगर आपको तुरंत लॉक करना है तो इमीडिएटली यूज़ करना है, आफ्टर 1 मिनट, अगर आपको 1 मिनट बाद लॉक करना है तो आपको 1 मिनट बाद कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है आफ्टर 30 मिनट, अगर आपको 30 मिनट ही बाद लॉक करना है तो 30 मिनट बाद लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप मैनेज कर लें और हम यहाँ पे इमीडिएटली यूज़ करेंगे और इसको यहाँ से कट करते हैं। तो हम अपने फ़ोन में इमीडिएटली यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे हम अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे कट किए हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप है यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो हम इसको ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे फिंगर देना होगा, तभी जाके जो हमारा व्हाट्सएप यहाँ पे ओपन होगा। तो हम इसको यहाँ पे एक बार ही ओपन करते हैं और जैसे यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप है आप यहाँ पे फिंगर मांग रहा है, तो हम यहाँ पे जैसे फिंगर टच करते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप है यहाँ पे ओपन हो जाता है। दोस्तों इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका हो कि इस तरह से आपको अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।